मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुतासर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गुफ्तगू। कहा मौसमियाती तब्दीली ने लैंडस्केप तब्दील कर दिया। कार्बन के खराज में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई मामूली है। सेहत के शोबे में शाह अब्दुल अजीज और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इकदाम को सराहा। पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के तआवुन पर कहा यकीन है मुसलसल कोशिश से पाकिस्तान से जल्द पोलियो का खात्मा करने में कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मुसावात है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फलीह ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। कहा हम आपके काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। सऊदी सरमायाकारों का वक्त जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक सलमान अल जासर की आलमी इक्तिसादी फोरम की साइड लाइन्स पर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान में IDB के जारी मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब के बाद बहाली के कामों में IDB की मुआवनत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कुवैत से भी मुलाकात। डिजिटल करेंसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से गुफ्तगु। कहा हमारे बजट में सालाना आमदनी 9.4 खरब के करीब है। आधी मैशत गैर दस्तावेजी शोबे से ताल्लुक रखती है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेजी शोबा है। मुल्क में 10 खरब रुपए का टैक्स मार्केट में जेर गर्दिश है। हुकूमत ने मुस्तक खवातीन की मदद के लिए नकद रकम का इंतजाम किया। खवातीन चाहती हैं उन्हें रकम डिजिटल के जरिए दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और परवेज़ इलाही के बाद इसहाक डार मुल्क के चौथे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इसहाक डार इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के साथ आलमी इक्तिसादी फोरम में सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इसहाक डार 4 मरतबा मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना रहे। पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के ही आए थे और फिर जिस तरह का पाकिस्तान में इन्होंने उद्यम मचाया वो भी आगे सामने है। अब फिर दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ रहे हैं। अगर उसका ये शौक है तो पूरा करके देख लें। सुबह ही वहाँ पे गवर्नर आज लग जाएगा और फिर उसको समझ आ जाएगी। शहरयार आफरीदी के बयान ने PTI का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं PTI पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आई, अब भी पांव पड़ना चाहती है। सेनेटर इरफान सदीकी बोले शिबली फराज अपने कायदीन से पूछ लें वो क्या चाहते हैं। उधर से NOC मिल जाए तो हम हाजिर हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से मुजाकरात नहीं हो सकते। तर्जुमान PTI रौफ हसन ने साफ साफ कह दिया। PTI का वज़ीर आला दहशत गर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियां दे रहा है। साबित हो गया अली अमीन गंडापुर के अजाइम दहशत गर्दाना है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुंह से इदारों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, दूसरी तरफ मन्नत तरला करते हैं। KPK बहुत दिल के करीब है हमारे, खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है। KPK के सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी वो हम चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद के ऊपर। अली अमीन गंडापुर का हुलिया गुंडों जैसा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गुफ्तगू का सलीका नहीं। वजीर इत्तला पंजाब असमा बुखारी अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़ी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोली कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर पा रहे तो बदतमीजी शुरू कर दी। इस्लामाबाद की तरफ महाजराई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मरियम नवाज की डिक्शनरी में नहीं हो सकता का लफ्ज नहीं। सहाफियों के लिए हाउसिंग मंसूबे का नया फेज ला रहे हैं। जरूरत से जायद गंदम हालिया गंदम बहरान की वजह बनी। ज़राए वजारत पैदावार के मुताबिक पहले मरहले में 20 लाख टन गंदम और फिर मजीद 10 लाख टन की मंजूरी दी गई। किसानों से गंदम खरीदी तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। गंदम स्टोरेज के इंतजाम भी नाकाफी। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता साल 40 लाख टन गंदम खरीदी जिसके लिए 400 अरब रुपए कर्ज लिया।
खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशें और बर्फबारी। बाजोड़ में गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। मकान की छत गिरने से दो खवातीन जान बहक, पांच अफराद जख्मी। रेकोट मीना बाजार में कच्चे मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक, पांच अफराद जख्मी। खैबर के इलाके जमरूद अली में मकान की छत गिरने से तीन अफराद जख्मी। मानसहरा बालाकोट और वादी कागान में बारिश। गंगनोल के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कागान बंद। लोअर दिल में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। राबता सड़कें बंद, बिजली की फराहमी मुअत्तल। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में तूफानी बारिशें। दो धनियाल के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह नीलम मुकम्मल बंद। मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद दरिया जहलम में पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद। पटेखा में लैंड स्लाइडिंग से 12 साल बच्चा पत्थर लगने से जा बहक। एबटाबाद और गलियात में लैंड स्लाइडिंग से नथिया गली बकोट रोड बंद। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, फैसलाबाद में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से चमन, चाही, ताफ्तान, पशीन, कलाब्दुल्ला, नौशकी और मस्तोंग सबसे ज्यादा मुतासर हुए। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज, एफसी, लेवीज और दीगर इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ। मकानात, फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मरम्मत के बाद कोयटा चमन सेक्शन का एक रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया। मुख्तलिफ हादसात पर 21 अफराद जान बहक हुए। कराची में इस हफ्ते गर्मी बढ़ने का इम्कान। अगले 4 से 5 दिनों में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 41 डिग्री तक होगा। रात के औकात में मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। सेशन जज जनूबी वजीरिस्तान शाकिरुल्ला मरवत को बाजियाब ना कराया जा सका। डीआई खान के सीटीडी थाने में अगवा की एफआईआर दर्ज। 25 से 30 मसल्ला अगवाकार गाड़ी को आग लगाकर सेशन जज को लेकर जंगल की तरफ फरार हुए। ड्राइवर के जरिए रिश्तेदार, कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। सेशन जज की बाजियाबी के लिए मुश्तरका टीम तश्कील। बलोचिस्तान में पंजाब से गए दो मजदूर कत्ल। नामालूम अफराद ने शनाख्त के बाद गोलियां मारी। मकतूलीन का ताल्लुक फैसलाबाद से है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की शदीद मसम्मत। कहा दहशतगर्दों और उनके मददगारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। दुनिया की वाहिद काविश है जो मस्जिद अक्सा के बाद दुनिया में कहीं की जा रही है, और अल्लाह ने चाहा तो ये नफाज़े इस्लाम की और इस मुल्क की रिवाइवल की बुनियाद बनेगा, मुसलमानों के मुत्तहिद होने की बुनियाद बनेगा। मुसलमानों का किसी भी मुल्क का, चाहे फलस्तीन हो, चाहे वो कोई भी हो, जहाँ भी हो, इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी की पूरी मैनेजमेंट हर जगह शाना बेशाना खड़ी है, क्योंकि वो यार मुस्लिम और इंशाल्लाह हम हर जगह उनके साथ स्टैंड करेंगे। फलस्तीन और क़िबला अव्वल से इजहार यकजहती का मुनफरिद अंदाज। ब्लू वर्ल्ड सिटी रावलपिंडी में अलग-सा म्यूजियम बनेगा। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नसीर के वालिद और रुकने पंजाब असम्बली चौधरी नईम एजाज की वालिदा ने संगे बुनियाद रख दिया। म्यूजियम के साथ मस्जिद अक्सा की तर्ज पर मस्जिद भी बनाई जाएगी। संगे बुनियाद की तकरीब में गैर मुल्की वफ्द की भी शिरकत। अपने खिताब में चौधरी साद नसीर ने कहा, जो काम मुस्लिम उम्मा ने करना था वो आज ब्लू वर्ल्ड सिटी कर रहा है। चौधरी नईम एजाज बोले, अलक्सा म्यूजियम का संगे बुनियाद हमारे दिलों में बैतुल मकदस से मोहब्बत का इजहार है। गैर मुल्की मेहमानों की ब्लू वर्ल्ड सिटी में पाकिस्तान के पहले सियाहती शहर के कयाम पर मुबारकबाद।